हर साल समर वेकेशंस में मुझे और मेरे घर वालों को बस एक ही चीज़ याद आती है, गाँव। इट वॉज जून एंड मानसून अब दूर नहीं था। द बेस्ट टाइम टू विजिट कोंकण इज ड्यूरिंग मानसून, तो बस हम निकल पड़े। पुणे से कोंकण जाने के लिए चार रूट्स है और हमने सबसे गंदा वाला चूज किया। सोबू बोल, कैसा फील हो रहा है? बाजी गई थी मम्मी। मराठी में हम इसे करवन बोलते हैं। कभी कोकन आए तो ये जरूर ट्राई करना। पिछले व्लॉग में शायद MSRTC की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। घर से निकलते वक्त लगा था कि वहां बारिश होगी, पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो चेहरे सुबह तक खुश थे वो अब मुरझा चुके थे। और ये घर, मेरा गांव वाला घर। तो डे टू वॉज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग माई विलेज। उस दिन मैं अपनी दूर वाली मौसी, पास वाली मौसी और मौसी सबसे मिला। बाय द वे, इस चिकन के साथ बुरा हुआ, बहुत बुरा। उस दिन रात को हम एनिमल स्पॉटिंग के लिए गए और हमेशा की तरह जुगनू के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं ना, सबक एक को सीख हम सबको, बस वही है। तो गाइज, हम लोग हमारे नियरेस्ट टाउन खेड़ पहुँचे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, और सोबू इज एंजॉइंग समर। सोबू, आर यू एंजॉइंग? बहुत। सिटी लाइफ से हम इतना यूज टू हो गए कि गांव में सस्टेन करने के लिए हमें बार बार सप्लाइज की जरूरत पड़ती थी। अब जैसे रेड टी शर्ट में मेरे दोनों मामाओं को ही देख लीजिए, इतनी गर्मी में भी दे वर क्रेविंग फॉर वड़ा पाव। वड़ा पाव खाई देते इधर का गर्म। दिस वॉज आवर सेकेंड लास्ट डे, और आज हमने ठान लिया कि अगर नहाएंगे तो सिर्फ नदी में। काफी देर ढूंढने के बाद हमें नदी तो मिली, पर लेकिन कोकन है ना, सो इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू। उस दिन मैंने अनलिमिटेड जामुन खाए। फोन में रेंज बिल्कुल नहीं था और वर्ल्ड कप सर पे था।
तो इस टाइम हम क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारा सेकेंड लास्ट डे बिना बारिश के ख़त्म हो गया। आज हमारा लास्ट डे था और बारिश के लिए हम अब भी वेट कर रहे थे। साल की पहली बारिश का इंतज़ार सिर्फ हमें ही नहीं गांव वाले लोगों को भी बहुत था। उनके लिए बारिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसा कि मैंने कहा था, कोंकण विल नेवर डिसअपॉइंट यू। Konkan was back to life now.